FIR लिखवा देता ना अगर, तो ये क्या खत्री बदमाश को जरा सजा दिलवाता एक आध साल। नहीं जी, नहीं जी, हमें कोई FIR वगैरह नहीं साइन करनी है। मनमीत के खिलाफ एक FIR करवा दो आप। नहीं, FIR वगैरह नहीं करवानी है हमें। जागते रहो। तो ऐसे जगने का इरादा है? जाग कहाँ रहे थे अभी तक? वही तो ट्राई कर रही हूँ कि सब लोग जाग जाएं। तुम ट्राई नहीं कर रही हो मिनी, तुम अपने अटेम्प्ट में पास हो रही हो। जब हमने उन्हें वो ऑडियो क्लिप्स भेजे, उन्हें समझाया कि इस तरह के हादसों के कितने लंबे रिपरकशंस हो सकते हैं, तो तुमने देखा ना आर्या के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के कितने सारे रिस्पॉन्सेज आए, खासकर की माओ के आए हैं। लेकिन उतने इनफ नहीं है ना नी, ऊपर से वो भी घबरा रही है पता है कि पता नहीं हम ऐसा करेंगे तो स्कूल अथॉरिटीज हमारे बच्चों पे सकना हो जाए, वो भी डरी हुई। वी कांट एक्सपेक्ट थिंग्स की ओवरनाइट चेंज हो जाएंगी, तुम भी जानती हो टाइम लगेगा, ये सालों की नहीं सदियों की कंडीशनिंग है। यू नो समटाइम्स आई विश कि काश मदर्स में ना हिम्मत होती। आई विश दे कुड बी ब्रेव इनफ टू टेक अ स्टैंड फॉर देयर चाइल्ड। तो कोई भी ना लड़की कम्मो आंटी जैसी किस्मत नहीं भुगती, कोई भी बेजी की तरह चुपचाप नहीं बैठी रहती, कोई भी दादी अम्मा की तरह अपनी बहन को याद करके रोती नहीं। एंड बॉबी यार, फील द वर्स्ट फॉर हिम। वो गाय और कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि शायद अगर मेरी भी इसमें उतनी हिम्मत होती ना तो मे बी फॉरगिव हर मिनी, माफ कर दो उन्हें, भूल जाओ, ऐसे भी बहुत टाइम हो चुका है। आई नो बहुत टाइम हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं। एंड यू नो आई थॉट आई फॉरगॉटन अबाउट इट, मुझे लगा था वो चैप्टर इरेज ऑलरेडी कर दिया मैंने अपनी लाइफ से। सडनली वापस उभर आते जैसे पानी के लिखे अक्षर वापस आ जाते। I'll tell you something. जब मैं विनीता आंटी से पहली बार मिली ना, मुझे उनमें मेरी पेप्स नजर आई। चाहे प्यार करती है नेहा से, लेकिन स्टैंड नहीं ले पाती, स्टैंड लेने से डरती है। हो सकता है उनकी भी वैसी ही मजबूरियां हो जैसे तुम्हारी बेब्स की थी। उनकी क्या मजबूरियां हैं? हर किसी की मजबूरियां होती है, सिर्फ उनके अकेले की मजबूरी होती है क्या? फिर उनके किए की सजा, उनके किए के रिपरकशंस वो बेचारी छोटी सी बच्ची क्यों झेले? उसकी क्या गलती है बोलो? हम कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं स्कूल में, आज दिन भर उसी में लगी हुई थी। सारी मदर्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, उन्हीं को मनाने में, उन्हें समझाने में, उनसे लड़ने में, सबका रिस्पॉन्स आया जो कल साथ दे रही हमारा। बस एक नेहा की मम्मी का रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा मन कह रहा है कि वो कल तुम्हारे साथ होंगी मिनी। आई डोंट नो नील, I just hope so. I know, Mini. Trust me. Chuppi! No more! Chuppi! No more! Chuppi! No more! We want justice! We want justice! Chuppi! No more! Chuppi! No more! जब मैं विनीता आंटी से पहली बार मिली ना, मुझे उनमें मेरी पिक्स नजर आई, सबका रिस्पॉन्स आया।
जो कल साथ दे रही हमारा, बस एक नेहा की मम्मी का रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा मन कह रहा है कि वो कल तुम्हारे साथ होंगी भी नहीं। बहुत क्रांतिकारी बन रही है, लेकिन तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन ये सब करके क्या फायदा है? देखो, आज तुम अपनी बहन को स्कूल तक नहीं भेज पा रही, शायद तुम्हें उसके फ्यूचर की भी फिक्र नहीं। सर आप ऐसे कैसे? I told you sir, झुकने वाली तो हूं नहीं मैं, because I'm standing for justice and I will make sure कि केवल पे कानूनी कार्रवाई हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जहां तक रही बात आर्या की, just within words sir, वो इसी स्कूल में आएगी और सर उठा के जाएगी। हाँ लेकिन ना, आपका पता नहीं, देख ही रहे इतने सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन ये भीड़ इकट्ठा करके क्या फायदा? तुम्हें क्या लगता है, तुम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटिमिडेट करके अपनी मांगे मनवा लोगी? सिक्योरिटी? यस सर। तुमने इन सबको गेट के अंदर घुसने कैसे दिया? अभी के अभी निकालो सबको बाहर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सर उसने तो सुन लिया, कब का समझ भी लिया। एक आप ही हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा मैंने। I'm going to call the police. You can't do that, sir. क्योंकि ये आप ही जानते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चुप्पी! No more! चुप्पी! No more! We want justice! कहाँ है बाबा रे? पता नहीं कहाँ चला गया ना मुराद, मिल ही नहीं रहा है। रानी दीदी सब कुछ इधर उधर करती रहती है, इन्होंने कहीं रखा होगा। हाय रुपा, लो जी लो, हैं झूठे इल्जाम क्यों लगा रही है? खुद तो सारा दिन टीवी देखती है, देख लो नेम भी। चुप करनी घोड़ी, तुझे कुछ काम नहीं है? दिन भर जरा सी बच्ची से लड़ती रहती है। सुनारिया ये सोफे और टेबल के नीचे देख ले जरा, उससे तो झुका नहीं जाएगा। अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों? ओ दादू टीवी देना रिमोट नहीं मिल रहा है? शमी जी आप उठिए। अरे कहीं आप ही तो नहीं बैठी हुई उस पर? देखो खुराना साहब आपने मुझे डिस्टर्ब मत करो, देख नहीं रहे मैं माता रानी का पाठ कर रही हूँ और मेरे पास कोई नहीं है रिमोट मोट। अरे बड़ी जिद्दी है ये बुढ़िया, चलिए आप। अरे मैं कहता हूँ उठिए आप। अरे छोड़िए खुराना साहब छोड़। अरे ये तो रहा। हाय शम्मी जी आप छुपा के बैठी थी क्या रिमोट? हाँ बैठी थी छुपा के, और देखने भी नहीं दूंगी किसी। छोड़ दे। अरे लोकल टीवी चैनल पर कुछ चल रहा है, स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। अरे कम से कम देखने तो दो। मैं किसी को नहीं देखने दूंगी, कुछ भी हो जाए। क्या बच्चों जैसी जिद कर रही है शम्मी जी, दीजिए ना रिमोट। हाँ मुझे भी देखना वीर बालिका को स्कूल में। जब वो आएगी ना तब देख लेना। याद है ना हम सब ने पिछली बार देखा था, तो क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। याद है मिनी और आर्या कैसे रुआसी होकर लौटी थी? शायद हमारी नजर लग गई होगी उन्हें। इस बार कोई नहीं देखे। अरे किसी के देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है? अरे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। देखो वो मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं उठाऊंगी। आज अगर मिनी ये जंग नहीं जीती ना, तो अब समझती है ना नईम भी,
मिनी का ये जंग जीतना कितना जरूरी, ये उसके बचपन का कर्ज है, ये मेरे बचपन का कर्ज है, ये आपके बचपन का कर्ज है जो मिनी आज उतारने गई है और वो हार नहीं सकती आज। इजी नहीं होगा, इट्स अ टफ फाइट। स्कूल मैनेजमेंट कल्प्रिट को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन डरना नहीं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, हम सिर्फ अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए कंसर्न है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब मदर्स इतना ब्रेव है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आप सब लोग तो जानते हो, मैं एक सेकेंड आती हूँ, रुक जा। विनीता आंटी, आंटी आंटी प्लीज 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 प्लीज। लेकिन जब तक केवल जैसे लोग स्कूल में रहेंगे, मुझे पता था पाएंगे। कभी सेफ नहीं हो सकते। आप देख रही है ना, इतनी सारे माई खड़े नेहा के लिए आवाज उठाने के लिए। इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रेक द साइलेंस विनीता आंटी। और हाँ, है टफ, है डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज आप भी यहाँ से छुपके मत खड़े रहिए। Let's join hands, let's become one voice, साथ में खड़े होते हैं। मैं नहीं। आंटी, ये टाइम घबराने का नहीं है, क्योंकि अगर आज आप नहीं आई ना, तो नेहा आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। ये टाइम हिम्मत दिखाने का है। प्लीज आंटी। कमाल करती हो तुम, यहाँ चलिए, वो भी घर में बिना किसी को बताए। तुम घर चलो विनीता। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। विनीता आंटी, आज आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आज पीछे मुड़ के देखने का नहीं, आगे बढ़ने का टाइम है। विनीता, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा घर चलो, इसकी बातों में मत आओ। विनीता आंटी, अगर आज आपने ये एक कदम उठा लिया, आज अगर आपने हिम्मत दिखा दी ना, तो सिर्फ नेहा ही नहीं, ये मिन्नी भी अपनी माँ को माफ कर पाएगी। प्लीज आंटी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। बस बहुत हो गया तमाशा, ऐसे मत देखो मुझे। मैंने कहा ना कि तुम्हें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। तुम सुनोगी अपने हस्बैंड की। अगर आज अपने जिद पर तुम अड़ी रही, तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म, अभी के अभी। I'm sorry, मिनी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। I'm sorry. मैं समझ सकती हूँ। It's okay. क्योंकि पता है क्या, मेरी माँ में भी कभी इतनी हिम्मत नहीं थी। मिनी, मिनी जल्दी चल, वहाँ बहुत रस्टी, ट्रस्टी मीडिया वालों का एड्रेस कर रहा है, जल्दी चल। हाँ, अब तक यहीं खड़ी हो तुम, अगर ट्रस्टी साहब ने हमें यहाँ पर देख लिया, तो हमारी नेहा का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में भी नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ से। नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी, कम से कम अभी तो नहीं। आप मेरे हस्बैंड हो तो किसी भी समय मुझे छोड़ने की धमकी दे सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि खड़े रहकर यहाँ तमाशा देखूं। लेकिन आज मैं तमाशा देख कर जाऊंगी। आज यहाँ खड़ा हुआ हर इंसान देखेगा कि जहाँ मेरी बच्ची के लिए इतनी सारी माएँ आई हैं, वहीं मैं इतनी डरपोक, इतनी कमजोर हूँ कि मैं अपनी नेहा का ना सोचकर
वो रिश्ते समेटने की कोशिश कर रही हूँ जिसने इतनी आसानी से एक ही झटके में से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दे दी। मम्मी भैया, विजय तो मुझे टीवी पे नहीं देखने दे रही है, आप बताओ ना उधर क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? ये देखो, इतनी मम्मी आई है सपोर्ट के लिए। और मिनी, मिनी कैसी है, कहाँ है वो? हाँ नील भाई, वो देखो वो प्रीत के साथ जा रही है, वो ट्रस्टी है ना कोई मीडिया इंटरव्यू करने। ठीक है ना? अरे यार टेंशन ना लो, बॉबी भैया है ना, आपकी वीर बालिका को कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? चलो बाय। तुम वीर बालिका साथ क्यों नहीं हो? बॉबी भैया तो है उधर। क्योंकि आपकी वीर बालिका ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ आपके साथ रहूं। रॉन्ग रॉन्ग किया तुमने। रॉन्ग? क्या रॉन्ग किया मैंने? हीरो को हीरोइन के साथ होना चाहिए ना। तो मैं तो अपनी हीरोइन के साथ ही हूँ ना, आप हो ना मेरी हीरोइन। ओ, मैं तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो छोटी मैडम हूँ ना, हीरोइन तो वीर बालिका है। तुमने तो कहा था, बोलो। मैंने? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। कैसे हो तुम, सब भूल जाते हो। बता रही हूँ तुम्हें, तुम यहीं बैठे रह जाओगे और बॉबी भैया हीरो बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि हीरो हीरोइन को बचाता है विलन से। बालिका ट्रस्टी अंकल और केवल अंकल से लड़ाई कर रही है ना, और तुम यहाँ बेड पे बैठे हो, ऐसे तो सब रॉन्ग हो जाएगा ना। और अब तुम हंस रहे हो। लिसन छोटी मैडम, और मेरी बात ना ध्यान से सुनना। दो टाइप के हीरोज होते हैं। फर्स्ट, जो अपनी हीरोइंस को ना बहुत वीक समझते हैं, उनको लगता है कि हीरोइंस ना लड़ाई लड़ नहीं पाएंगी, तो उनकी लड़ाई हीरो को लड़नी पड़ेगी। और दूसरे हीरो वो होते हैं जो अपनी हीरोइन को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए ना उनके पीछे खड़े रहते हैं और उनकी लड़ाई उन्हें खुद लड़ने देते हैं। एंड यू नो व्हाई? Because they trust their heroine. You trust Veer Balika? Totally. मतलब तुम second type के hero. Exactly. मतलब Veer Balika तुम्हारी heroine. बोलो बोलो. अब मेरी क्यों? वो तो सबकी heroine हुई ना. आप लोगों ने मिनी को हीरोइन बना दिया, अ डार्लिंग ऑफ मीडिया, बट लेट मी टेल यू, आप उसके गलत एक्शन में उसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गलत एक्शन सर? देखिए, आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से किसी स्कूल प्रीमाइसेस में आकर इतना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करना, किसी स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा करना, आप मीडिया के लोगों को तो उन्हें डिस्करेज करना चाहिए था। दे हैव नो राइट टू बी हियर। आई एम सॉरी टू इंटरफेयर सर, बट वी हैव ऑल राइट्स टू बी हियर। हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, हमारे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं स्कूल में, मेरी बहन पढ़ती है स्कूल में, और वो इधर सेफ नहीं है क्योंकि इधर केवल जैसे प्रेडेटर्स घूम रहे हैं। व्हाट प्रेडेटर? आप लोगों को शर्म नहीं आती किसी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? क्या जानते हैं आप लोग उसके बारे में? ये है केवल, ये गरीब आदमी है, स्कूल में चपरासी है और बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह में गुजारा करता है। ये है वो मजबूर आदमी, देखिए किस तरह थर थर कांप रहा है। क्यों, किस लिए? क्योंकि आप सबने मीडिया ट्रायल चलाकर इसे ऑलरेडी गुनहगार साबित कर दिया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ गार्जियंस ने इस पर झूठे इल्जाम लगाए। क्या कसूर है इसका? यही ना कि ये गरीब है? तो मतलब सूली पे चढ़ा दोगे इसे, इसकी नौकरी छीन लोगे, दाने दाने का मोहताज कर दोगे इसे? वाह सर, वाह, क्या ड्रामा किया ना आपने, क्या नजारा देखने को मिला है। यहाँ विक्टिम को प्रेपरेटर्स की तरह और गिल्टी को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सर, आई एम वार्निंग यू, दिस सिचुएशन इज वेरी सीरियस, एंड आप भी जानते हैं कि केवल गिल्टी है,
तो प्लीज ये फालतू की अमीर और गरीब की डिबेट तो आप मत ही कीजिए। क्यों ना करूं? क्या ये सच नहीं है? और क्या चाहते हैं आप लोग? इस बेचारे गरीब को जो 20,000 रुपए मुश्किल से कमाता है, इसको जेल हो जाए, वो भी उस गुनाह के लिए जो इसने किया ही नहीं। कभी सोचा है कि इसके बगैर इसकी फैमिली का क्या होगा? ये देखिए, ये रहे केवल के बीवी बच्चे। ये भीड़, ये तमाशा खड़ा करके आप लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप लोगों के इस दबाव में आकर अगर इसकी नौकरी चली जाती है तो इसका खमियाजा इसकी बीवी और इसके दो मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। अरे कभी उसकी बीवी से भी पूछ लीजिए, उस पर क्या गुजरेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.